हेलो दोस्तों, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति की चैप्टर नंबर 1 यानी कोल्ड वार, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर में उन सभी पहलुओं पर या कहें उन सभी बिंदुओं पर नज़र डालेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध क्या है और उसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उसकी विशेषताओं पर जाएंगे कि इसकी विशेषताएं क्या थी शीत युद्ध की उत्पत्ति की, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रभाव की। इसके बाद हम आने वाली वीडियो में, यानी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसलिए हम इसको वीडियो को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिए, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आप तक हमारी वीडियो के सारे क्लिप पहुँचेगी और वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप तक पहुँचेंगे जो इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बात करेंगे हम उसके बाद गुट निरपेक्षता। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्थापना की, इसके संस्थापकों की बात करेंगे, फिर विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, फिर इसके उद्देश्यों की बात करेंगे, और इसके बाद हम बात करें कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति क्या रही। उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और इसके परिणाम क्या रहे, आखिर क्यों इसकी वजह रही, परिणामों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। हम बात करेंगे नाटो की नाटो की स्थापना किस बात के लिए हुई, स्थापना क्यों की गई, सीटो सेंटो वारसा पैक देदान अपरोध और नियो की बात हम करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो शीत युद्ध, जैसा आप सबको पता होगा कि इसके नाम से ही भली भांति एक कहते हैं ना, एक नाम से हम सोच ले रहे हैं या नाम से ही दिखाई दे रहा है कि है क्या युद्ध, यानी शीत युद्ध यानी कोल्ड वार, ठंडा युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें किसी भी प्रकार की हथियारों की ज़रूरत नहीं महसूस हुई और ना ही किसी प्रकार का हथियार यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। हाँ, इस युद्ध में ये ज़रूर था कि हथियारों की होड़ मची और एक दूसरों के प्रति, यानी एक दूसरे के प्रति जो चीज़ें थीं हमेशा की तरह लगने लगा था कि नहीं, युद्ध होके रहेगा, प्रतियुद्ध नहीं हो रहा था, एक ऐसे युद्ध की हम बात कर रहे थे। चलिए तो हम इसकी सीधे परिभाषा की बात करते हैं। शीत युद्ध है क्या, यानी युद्ध के बारे में बात की, युद्ध जैसी स्थिति परंतु युद्ध ना हो। जी हाँ, युद्ध जैसी स्थिति होना परंतु युद्ध ना हो, यानी हमेशा पूरी दुनिया इस संशय में बनी रहती थी कि युद्ध होकर रहेगा परंतु युद्ध नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो दो विचारधाराएं थी, चाहे वो सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका हो, ये दोनों विचारधाराएं आपस में इस बात से भली भांति परिचित थी अगर युद्ध किया जाएगा तो दोनों का ही बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस वजह से कभी भी युद्ध हुआ नहीं, परंतु हाँ ये जरूर थी इसमें हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रही, राइट। ये है शीत युद्ध। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध विरोधी विचारधाराओं का युद्ध था, वही दो विरोधी विचारधारा, यानी एक विरोधी विचारधारा की पैरोकारी अमेरिका कर रहा था और दूसरी विरोधी विचारधारा की जो पैरोकारी सोवियत संघ कर रहा था, जिसे हम और सब लोग भली भांति जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक आप समझ में आ गए। अब बात करें ना दो गुटों की, यहाँ पर दो गुट कौन से हैं, वही गुट जो अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने उद्देश्यों के लिए ना इस्तेमाल करना चाहते, किसके लिए, अपने लिए नहीं, अपने विकास के साथ साथ उन लोगों के प्रति जो देश अभी विकसित होने वाले थे, ताकि वो देश ना उनके साथ मिल जाए, ऐसा ना हो कि वो अकेला इस जिंदगी के आगे दौड़ में चले और उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति शामिल ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि दुनिया के जितने भी देश अभी आज़ाद होने वाले थे ना, उन्होंने इन संगठनों के जरिए उन्हें अपना अपना संगठन में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी। कवायद में मतलब होता है कि पैरोकार करना, कि आइए हमारे साथ मिलिए और हम आपका विकास करेंगे, राइट। तो वो संगठन क्या थे, नाटो और वारसा पैक्ट। हालांकि नाटो के साथ साथ सीटो या सेंटो भी है, यानी ये जो तीनों संगठन वो अमेरिका के साथ थे, राइट। इसके बाद जो वारसा पैक्ट, वो सोवियत संघ एक ऐसी विचारधारा थी ना जिसकी स्थापना 1922, यानी विश्व का पहला साम्यवादी देश है ये। इससे पहले कोई दुनिया में एक भी साम्यवादी देश नहीं था, और यही वजह रही कि अमेरिका इसे चिढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ना पूरी दुनिया में यही चाहता कि उस जैसी विचारधारा वाले लोग रहे, उस जैसी विचारधाराओं के मानने वाले लोग रहे। अब एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर लें कि अगर मैं सोचूं कि आप मेरे विचारों पर चले, ऐसे संभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे हम अगर संसार में रहते हैं सबके अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अलग विचार होते हैं, और उसी विचारों को लेकर आगे चलना होता है। यही वजह रही कि शीत युद्ध भी इसी विचारधारा से आगे बढ़ा। चलिए अब बात करेंगे दो राज्यों का। दो राज्य कौन दोस्तों, वही अमेरिका और सोवियत संघ।
तो इस तरीके से हम शीत युद्ध के बारे में समझ जाते हैं। यानी शीत युद्ध है क्या कि शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना, यानी विचारों को उत्पन्न होना, विचारधाराओं को उत्पन्न होना, और यही विचारधाराएं बाद में युद्ध का कारण बनती हैं, परंतु युद्ध होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? शीत युद्ध यानी युद्ध जैसी स्थिति होना, परंतु युद्ध ना होना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आगे हम शुरू करते, राइट। उत्पत्ति, इस चैप्टर के अगर हम बात करें, इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि शीत युद्ध के कारण क्या रहे। आप चाहे देख रहे हैं 2011 से लेकर 2019 तक के हर एग्जाम में एक साल छोड़कर दूसरे साल क्वेश्चन पूछा गया कि 4 नंबर में 6 नंबर भी आता है कि शीत युद्ध के कारण क्या रहे, तो उसी कारणों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कारण क्या रहे दोस्तों? कारण था कि दूसरा विश्वयुद्ध, वही विश्वयुद्ध जो 1939 से लेकर 1945 तक, यानी जो 6 साल थे, तमाम दुनिया इस समय अपनी सब कुछ छोड़कर युद्ध में शामिल हो चुकी थी। हालांकि भारत भी शामिल होते होते बचा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत 1947 तक ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। और उसी उपनिवेश की वजह से ना हमें भी शामिल होना पड़ा। हम नहीं चाहते थे लेकिन हमें शामिल होना पड़ा, है ना। तो दूसरा विश्वयुद्ध इसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि ना दूसरे विश्वयुद्ध तक यानी 1945 तक यही दोनों विचारधाराएं आपस में, जिसे हम कहें ध्रुवीय राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे थे, यानी जो मित्र राष्ट्र थे इसमें सोवियत संघ भी था, अमेरिका भी था, और ये दोनों ना कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे थे। और जब कंधे से कंधे आगे मिलाकर चला जा रहा था तो लोगों को लग रहा था ना ये क्या पता ये दोनों देश एक साथ आगे मिलकर विश्व को परिवर्तित कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद एक ऐसी परिणति उत्पन्न होती है ना जिसमें ये दोनों देश आगे निकलने की होड़ मच जाती है, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा है कि पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा। तो पूंजीवादी साम्यवादी विचारधारा हमने आगे बात जान ली थी कि विचारधाराएं क्या थी, पूंजीवादी साम्यवादी, इस पर होगा हम चर्चा करेंगे। तीसरे जो कारण था युद्ध का वो था अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम क्या था इससे आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि अमेरिका पहले तो दूसरे विश्वयुद्ध में शामिल नहीं हुआ, राइट। दूसरे विश्वयुद्ध में शामिल कब होता है? जब उसे लग रहा होता है कि अब ऐसा कोई देश नहीं बचा है जो इस युद्ध को आगे बढ़ा सकता था। हालांकि अमेरिका उस समय बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आप अगर चैप्टर में देखेंगे और आगे पढ़ेंगे आपको पता भी होगा कि अमेरिका प्रथम वर्ल्ड वार में भी शामिल नहीं था, और सेकेंड वर्ल्ड वार में तब शामिल होता है जब युद्ध की समाप्ति की कागार पर पूरा युद्ध पहुंच चुका होता है। और कैसे और समाप्त कैसे करता है? इसने अपने परमाणु बमों का परीक्षण, या कहें परमाणु बमों का प्रयोग ही इस शीत युद्ध यानी सॉरी दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त के लिए किया। यानी इसने क्या किया कि 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ऐसे दो शहर हैं जहां इसने अपने परमाणु बमों का परीक्षण कर दिया। हालांकि बहुत से विचारक ये भी कहते हैं कि ये अमेरिका द्वारा पूरी तरीके सूझबूझकर और जानकारी में किया गया आक्रमण था, जिससे ना सिर्फ अपने परमाणु बमों का परीक्षण करना चाहता था बल्कि दुनिया को दिखाना चाहता था कि अब हट जाइए, अब मैं ही दुनिया का क्या हो सकता, फादर, एक प्रकार फादर बनने की होड़ अमेरिका के पास थी, राइट। तो यहाँ पर क्या कि अमेरिका परमाणु कार्यक्रम, क्योंकि अब अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम शामिल कर लिया, क्योंकि सोवियत संघ जो था अमेरिका का दोस्त था। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए मेरा ही कोई दोस्त हो, हम हमेशा लड़ाई में साथ रहें, है ना, हमेशा हर वो काम साथ में करें जो हमारे लिए विकास का था, लेकिन ये विकासवादी कार्यक्रम तो था नहीं, लेकिन फिर भी अमेरिका ने सोवियत संघ को बिना बताए परमाणु बम का आविष्कार कर लिया, जो कि सोवियत संघ को जरा भी अच्छा नहीं लगा, अच्छा भी नहीं लगा, और सोवियत संघ को एक तरह का डर की भावना ही पैदा हो गई, अरे इसके पास तो बम है, अब इसके पास परमाणु बम है तो परमाणु बम का प्रयोग हमारे पर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कहा जाता है ना, कार्ल मार्क्स के बहुत अच्छी थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी दुनिया में वही जिएगा जो जीने लायक है, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि परस्पर विरोधी प्रचार। अब ये दोनों सॉरी तो इसमें क्या हुआ कि परस्पर विरोधी प्रचार करने लगे आपस में। विरोधी प्रचार किस बात के लिए? कि साम्यवादी विचारधारा अच्छी है या पूंजीवादी विचारधारा अच्छी, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे कि पांचवा जो कारण था वो था संकीर्ण राष्ट्रवाद। संकीर्ण राष्ट्रवाद का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि जब एक राष्ट्र सिर्फ अपने को अच्छा समझता हो, यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं भारत और पाकिस्तान का एग्जाम्पल लूँ, पाकिस्तान अपने को अच्छा समझेगा, भारत हम अपने को अच्छा, यानी मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है,
या और ना ही हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, संकीर्ण राष्ट्रवाद। अब इसी की तरह हम एक अगर और थ्योरी आपको बताऊं तो आप फॉर एग्जांपल के लिए अगर धर्म की बात करें तो धार्मिक श्रेष्ठता की भावना, यानी हम मैं कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान का धर्म सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे धर्म के निष्कृष्ट है यानी कमजोर है, तो इसे कहते हैं संकीर्ण राष्ट्रवाद या संकीर्ण राष्ट्र धर्म भी बोल सकते हैं। और संकीर्ण राष्ट्रवाद ने क्या दिया, संकीर्ण राष्ट्र हित को जन्म दिया। राष्ट्रहित क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि राष्ट्र में रहने वाले लोग सर्वोपरि हैं, उनके लिए जो कार्य किया जाएगा वो सबसे उच्च है, बाकी कार्य सबसे नीचे, यानी पहले अपने नागरिकों के लिए कार्य किया जाएगा, उसके बाद दुनिया चाहे रहे या ना रहे वो बाद की बात है। इसे कहते हैं संकीर्ण राष्ट्रहित। और संकीर्ण राष्ट्रहित किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आज आप इतिहास देख लीजिए, हिटलर संकीर्ण राष्ट्रवादी के लिए पूरी इटली या पूरी जर्मनी को समाप्त कर देता है, अंततः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। चाहे मुसोलिनी की बात करें, वो भी संकीर्ण राष्ट्रहित की बात कर रहा था, वो भी समाप्त हो जाता है। और अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें जिससे हमने 200 वर्षों तक शासन किया, वो भी संकीर्ण राष्ट्रहित की बात ही कर रही थी। तो ये था संकीर्ण राष्ट्रहित। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे विशेषताएं। आई होप कि आप शीत युद्ध क्या है और इसके कारणों को भली भांति समझ चुके होंगे। रटना नहीं है, मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि रटना कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको भरोसा और यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ तन पूरा अपना जितनी मेरे पास नॉलेज है वो सब कुछ झोंक दूंगा। और आप मुझे कमेंट में बताना कि और मैं किस तरह से अच्छी वीडियो बना सकता हूँ जो कि मेरे मनोबल को और आपके आने वाली वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा होगा जो आप तक पहुँचेगी। चलिए विशेषताओं की बात कर लेते, राइट। तो विशेषता क्या थी दोस्तों, कि दोनों गुट परमाणु शक्ति संपन्न, यानी अमेरिका भी परमाणु शक्ति संपन्न बन गया और सोवियत संघ भी। उसके बाद क्या किया कि उसने भी परमाणु शक्ति बनने के लिए क्या किया, जी तोड़ मेहनत करने शुरू कर दी। चाहे उसे आप कह सकते साम दाम दंड भेद। अब साम दाम दंड भेद का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो जाए, चाहे जनता का विकास हो या ना हो, स्वास्थ्य पे काम किया जाए चाहे ना किया जाए, है ना, कल्याणकारी नीतियां बनाई जाए चाहे ना बनाई जाए, विकास की बात की जाए या ना की जाए, लेकिन परमाणु बम होना बहुत जरूरी है। ये था सोवियत संघ की, यानी अब दोनों देश क्या हो गए, परमाणु संपन्न, राइट। दूसरी विशेषता क्या थी दोस्तों, की वो सैनिक गठबंधन। अब सैनिक गठबंधन की विशेषता का मतलब क्या कि अब दोनों देश ना ऐसे गठबंधन की ओर बढ़ पड़े, यानी बढ़ चले कि जहां पर सिर्फ गठबंधन ही, क्योंकि यहां पर गठबंधन का मतलब था कि अपने आप को शक्तिशाली तौर पर पेश करना, राइट। तो इसलिए गठबंधन की जरूरत पड़ने लगी, ये विशेषता थी इसकी। तीसरी जो विशेषता थी इसकी दोस्तों, वो थी आपसी प्रतिस्पर्धा, यानी दोनों में क्या हो गया, दोनों देशों में कॉम्पिटिशन की भावना हो गई। और फॉर एग्जाम्पल के लिए कहते हैं एक कक्षा में अगर हम 10 छात्र पढ़ रहे हैं और 10 के 10 बहुत मेधावी छात्र हैं और 10ों के 10 ये नहीं चाहते कि मैं सेकंड आना चाहूँ, तो 10ों तक अगर फर्स्ट आने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और ये फर्स्ट किस बात के लिए आना चाहते थे, ताकि वो दुनिया पर राज कर सके, ये प्रतिस्पर्धा थी, ना कि किसी और की प्रतिस्पर्धा, राइट। चलिए आई होप आप विशेषताओं को भी भली भांति समझ चुके होंगे। आप कोड पूरी तरह से नोट पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों, बस आपको समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता चलो आपको प्रभाव क्या रहा इसका। विश्व क्या हुआ, विश्व का दो गुटों में विभाजन। अब दुनिया क्या होगी दोस्तों, पहले दुनिया फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत, दुनिया में अभी भी 196 कंट्री है, लेकिन उस समय 196 कंट्री का मतलब था कि दो जो समूह थे अमेरिका और सोवियत संघ, इन दो समूहों में पूरी की पूरी दुनिया बट गई। अब बटने मतलब था कि अब जिसके पास ज़्यादा लोग रहेंगे उसका पलड़ा भारी, जिसके पास कम लोग रहेंगे उसका पलड़ा नीचे डाउन हो जाएगा। ये पहली इसकी प्रभाव रहा पहला, सॉरी। इसने विश्व में आतंक और भय को जन्म दिया। विश्व में आतंक और भय का मतलब ये होता है दोस्तों कि अब ना दुनिया को लगने लगा था कि अब कभी भी किसी समय और किसी वक्त युद्ध हो सकता है, ये भय हमेशा कायम रहा है। ये कब तक कायम रहा है, 1945 से लेकर 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो चुका था, राइट। ये आगे हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे सैनिक संगठनों का जन्म, और इसकी
या कहें कि इसका जो प्रभाव था, इसका जो परिणाम था, वो तमाम दुनिया में सैनिक संगठन बने लगे। वो सैनिक संगठन किस काम पे करते थे कि शक्तिशाली होने के लिए। आप शक्ति, अगर आप शक्तिशाली हैं तभी आप दूसरों पर दबाव बना सकते हैं, चाहे आप राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हों, चाहे आर्थिक रूप से हों, चाहे आप सांस्कृतिक रूप से हों, चाहे सामाजिक रूप से। अगर आप आपके पास शक्तिशाली है, आप शक्तिशाली हैं, तो आप आराम से किसी दूसरे पर दबाव बना सकते हैं। और ये सब आप लोग अपनी दिनचर्या में देखते होंगे, कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति पर कैसे धोख जमाता है, राइट? आप बहुत समझ सके होंगे। इसके बाद देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का कम होना। मेरे प्रिय दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना विश्व में शांति की स्थापना के लिए की गई थी, और आज वही संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पूरी तरह से खत्म होनी जान पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि 1945 में, 1945 में अगर हम बात करें, 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, तो इसका एकमात्र उद्देश्य था कि विश्व में क्या किया जाए, विश्व में शांति की स्थापना की जाए, राइट? शांति। अब फॉर एग्जाम्पल, ये शांति रहेगी कैसे जब तमाम दुनिया अपने अपनी प्रतिस्पर्धा में, हथियारों की होड़ में लगी रही, तो शांति का नाम निशान खत्म हो गया, तो इसकी विफलता क्या होगी? जिसके लिए इसकी स्थापना की गई तब वो तो है ही नहीं। तो इसलिए सोवियत संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह से अपनी भूमिका को कम कर गया, या आप कह सकते हैं कि इसकी भूमिका पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। किसके माध्यम से? इन दोनों देशों के माध्यम से, क्योंकि यही दोनों देश थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रकार का स्थायी सदस्यों का दर्जा दिया गया था। अब स्थायी सदस्य दर्जा क्या होता है कि अब ये दो देश जो भी कुछ कहना चाहें, यानी इनके अलावा, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी अगर हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो अमेरिका, सोवियत अमेरिका, रूस, फ्रांस, है ना, ब्रिटेन, इनके साथ साथ इनके पास क्या है, इनके पास स्थायी सदस्य का दर्जा दिया गया है। अब अगर ये कोई यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नियम तभी पारित होगा जब ये पांच देश इस पर सहमति कायम करेंगे, क्योंकि उस समय सोवियत संघ और अमेरिका दोनों को ही स्थायी दर्जा प्राप्त था। इसलिए अब क्या हो गया कि ये दोनों देश जो भी कुछ काम करते थे वो तभी पास हो सकता था जब उनके मुताबिक होता हो, राइट? इस वजह से इसकी विफलता पूरी तरह समाप्त हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि सशस्त्रीकरण को बढ़ावा। इस शीत युद्ध का सबसे जो हानिकारक कह सकते हैं, सबसे दूरगामी परिणाम कह सकते हैं, वो था शस्त्रों की होड़। अब शस्त्रों की होड़ ऐसी वैसी होड़ नहीं थी, यहाँ पर IBRM है ना, या मिसाइल, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ना जाने कितने बमों की स्थापना है, ना जाने कितने बमों के विकास इस शीत युद्ध के काल में कर दिया गया मेरे दोस्तों, राइट? इसके बाद हम बात करेंगे जन कल्याण की कमी। जब शस्त्र को बढ़ावा दिया जाएगा तो जन कल्याण अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, राइट? उसके बाद लास्ट इसका जो प्रभाव था वो दोस्तों मेरा है गुट निरपेक्षता का उदय। इस गुट निरपेक्षता के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर इस वीडियो में थोड़ी सी भी आपको समझ विकसित हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून, धन्यवाद।